विघ्न हरता है बप्पा, दुख हरता है गणपति, संकटों को हर कर भर देते हैं भक्तों की झोली। जितने हैं बप्पा के चमत्कार, उनके रूप भी उतने ही अनोखे। आमतौर पर आपने बप्पा के चार भुजा रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे 10 भुजाधारी बप्पा के। रत्नागिरी में बप्पा 10 भुजाधारी रूप में देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। कैसे, आइए दिखाते हैं। प्रचोदयात्। 10 भुजाधारी हैं बप्पा। दस भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। गणपति की गोद में मां लक्ष्मी करती है वास। प्रचोदयात्। लक्ष्मी संग गणेश देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। सुखकर्ता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, चार भुजाधारी गणेश देवा, भक्तों पर चारों भुजाओं से खुशियां लुटाने वाले लंबोदर। लेकिन क्या आपने कभी 10 भुजाधारी गणपति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलते हैं रत्नागिरी के हेदवी मंदिर में। गणेश जय गणेश। हेदवी गणपति के नाम से मशहूर इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार, जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग और अधूरी कामनाओं, सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ बप्पा देते हैं 10 भुजाओं से वरदान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पहाड़ों में बसा है हेदवी गांव, और पहाड़ों के बीच पेड़ों की झुरमुट में मौजूद है 10 भुजाधारी हेदवी गणपति का मंदिर, जहाँ 10 भुजाधारी बप्पा के साथ उनकी गोदी में बैठी हुई माँ लक्ष्मी देती हैं दर्शन। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले माधवराव पेशवा के समय हुआ था, जहाँ साल के 12 महीने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 10 भुजाओं से सुशोभित बप्पा की इस प्रतिमा में उनकी बाएं तरफ एक हाथ में चक्र, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में धनुष, चौथे में गदा और पांचवें हाथ में महागुल फल देकर भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। वहीं दाहिनी तरफ एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में पाश, तीसरे में नील कमल, चौथे में दांत तो पांचवें में धान के खेत की हरियाली दिखाई देती है। ये एक ही पूरे मैं कोकण में नहीं बोलता, पूरे भारत में ऐसा एक ही हमारे ये भगवान है, जहाँ पे 10 हाथ है, 10 भुजे है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आए तो आपको 10 गुना आपकी उन्नति होती है, 10 गुना आपकी प्रोग्रेस होती है। खूबसूरत समुद्र का किनारा, लड़ुवन के भोग लागे, लड़ुवन के भोग लागे, संत करे सेवा, लड़ुवन। और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जय गणेश, जय गणेश। कहते हैं कई साल पहले जंगलों से घिरे इस मंदिर को ढूंढते हुए एक मछुआरा यहाँ आया था। कहा जाता है कि खुद भगवान ने प्रकट होकर उसे रास्ता दिखाया था, तभी से कोंकण के किनारों के मछुआरों की इस गणपति पर श्रद्धा बनी हुई है, और यही वजह है कि हर साल माघ मास की चतुर्थी और षष्ठी पर वो यहाँ बड़ी तादाद में गणेश जयंती मनाने आते हैं। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाए गजानन उसे अवश्य पूरी करते हैं। खासकर जिन भक्तों के घर आंगन से संतान की खुशियां रूठी हुई हैं, बप्पा का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होता है, और इसका प्रमाण है बप्पा के बाईं ओर के हाथ में स्थित महागुल का फल, जिसे संतान प्राप्ति के लिए
औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर में मैं 10 साल से आ रहा हूँ। ये दशभुजा है और लक्ष्मी है, लोगों की बहुत सी मनोकामना इधर पूरी हुई है। विशेष बात यह है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती ही है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही किसी काम में हाथ डालते हैं और अपनी सारी चिंताएं बापा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं और देर सवेर पूरी कर देते हैं सबकी मनोकामना। रूबीन मुजावर, रत्नागिरी, आज तक। रत्नागिरी में बप्पा 10 भुजाधारी तो हैं ही, वहीं कानपुर के गणपति 10 मुख रूप में देते हैं दर्शन। कहते हैं जिसने भी बप्पा के इस रूप के दर्शन कर लिए उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है। दस मुख वाले गणपति इस रूप में समाई है ब्रह्मांड की शक्तियां सभी। बप्पा में दर्शन देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वायु, सूर्य, चंद्रमा भी पाते हैं इनसे तेज। कीजिए बप्पा के इस अनोखे रूप के दर्शन आज, हर इच्छा को मिल जाएगा गणपति का आशीर्वाद। प्रथम पूज्य देवता, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के प्रदाता पार्वती पुत्र गणपति का ये सबसे विराट रूप है। एक दंत का 10 मुखों वाला ये भव्य रूप किसी को भी अपने मोह पाश में बांध सकता है। आस्था की गंगा में डुबोकर तन मन को पावन कर सकता है। इस रूप में गणपति के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली सभी शक्तियों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। गणेश के 10 मुखों की महिमा और चमत्कार कुछ ऐसे हैं कि चाहे सुबह हो या शाम बप्पा के दरबार में भक्तों का मेला लगा ही रहता है। कानपुर के घंटाघर में बने सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति की एक झलक पाने और उनकी आरती में शामिल होने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं। गणपति का ये मंदिर 3 मंजिला है और हर मंजिल पर बप्पा का बिल्कुल अलबेला रूप दिखता है। इन सभी रूपों के हम दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले सुनिए 3री मंजिल पर बने 10 मुख वाली मूरत की कहानी। पप्पा के 10 सिर तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सिर्फ इस रूप के दर्शन करने भर से आपको त्रिदेवों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी हाँ, गणपति के ये 10 मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों को तो समेटे हुए हैं ही, सूर्य, चंद्रमा और वायु भी इनमें समाहित है। भक्तों को यकीन है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली हर शक्ति का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बात चाहे सुख समृद्धि की हो या बुद्धि और शक्ति की, तेज की हो या आत्मविश्वास और खूबसूरती की, यहाँ हर कामना 10 मुख वाले गणपति कर देते हैं पूरी। कानपुर के घंटाघर में बना ये मंदिर आजादी के आंदोलन के दौरान बनवाया गया था। राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक स्वरूप 1908 में बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने ही प्रेरित किया और इसका भूमि पूजन किया। कानपुर का जितना महाराष्ट्रीय समुदाय था वो इस मंदिर से एफिलेटेड रहा। उनके समन्वय से आज तक 90 वर्ष हो गए हैं, नित्यवत हर प्रतिदिन पूजा होती रहती है। हमारे प्रथम खंड में भगवान गणेश जी मुख्य रूप से 1921 में स्थापित हुए, विद्धि सिद्धि के साथ हैं।
हमारे द्वितीय खंड में अगर आप दर्शन करेंगे तो भगवान गणेश जी के जो 8 जन्म हुए जैसा कि मुद्गल पुराण में वर्णित है उनके दर्शन आपको होंगे। अलग अलग युग में अलग अलग अवतार भगवान गणेश जी के 8 हुए। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मंदिर है। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाएगी गजानन उसे अवश्य पूरी करेंगे। दिन प्रतिदिन 3 साल पहले जो मेरी स्थिति थी वो 3 साल बाद बहुत बदली है। मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूँ और खास तौर पे गणेश जी को, और मैं 3 साल से आ रहा हूँ, बराबर तरक्की मुझे मिल रही है इस मंदिर में आने के बाद। जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा है वैसे वैसे मेरा अपना खुद का बहुत कुछ बदल रहा है। 10-15 साल हो गए यहाँ आ रही हूँ और मतलब पहले तो मैंने खाली सुना था कि ये मंदिर बहुत ही मन्नत मतलब पूरी करता है, लेकिन मुझे खुद को भी बहुत अनुभव हुआ है। मेरे बेटे का मतलब जैसे जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई है और तब से मेरा बेटा भी हर बुध को आता है। भक्तों की श्रद्धा और भगवान पर उनकी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बुधवार यहाँ हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। नवरात्र और गणेश चतुर्थी पर तो मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है जिसे देख भक्त धन्य हो जाते हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। अहमदनगर में बप्पा 3 भुजाओं से देते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद और यहाँ पर भक्तों को बप्पा संग महादेव के दर्शन का भी मिलता है सौभाग्य। गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। सिंदूरी गणपति का चमत्कारी रूप सुखदाता विश्व बिना। 3 भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। पुत्र में समाये हैं भोलेनाथ। नारियल से पूरी होती है मुराद। वक्रतुंड श्रुति शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल। विशाल भव्य मनोहारी रूप है गणपति का। भक्तों पर बरसती है इनकी भरपूर कृपा। कहीं कोई भक्त निराश न लौट जाए, कहीं किसी को अधिक इंतजार न करना पड़ जाए, इसलिए यहाँ एक नहीं 3 हाथों से देते हैं बप्पा वरदान। मोदक भोग सुगंधित। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बना हुआ है गणपति का ये विशाल मंदिर। जितनी ऊंची यहाँ गणेश प्रतिमा है उससे कहीं ज्यादा ऊंची है इनकी महिमा। भक्त बप्पा की महिमा और चमत्कारों की कहानी सुनकर आते हैं और मन में संजो कर ले जाते हैं उनका ये अनूठा रूप। आपने अभी तक बप्पा को 1 हाथ से आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में 4 भुजाओं वाले बप्पा ने 1 हाथ में सुंद पकड़ा हुआ है और 3 हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया हुआ है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणपति के भव्य रूप की वजह से अहमदनगर में इन्हें विशाल गणेश के नाम से जाना जाता है। 15 फीट ऊंची है बप्पा की प्रतिमा और अहमदनगर के लोग इन्हें अपना ग्राम देवता मानते हैं। विशेष बात यह है कि इस मूर्ति में गणपति के पेट में उनके पिता शिव भी देते हैं भक्तों को दर्शन। कहते हैं यहाँ भक्तों को बप्पा के साथ शिव का वरदान भी मिल जाता है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, ऐसी भाविकों की श्रद्धा है। और यहाँ बेदरा से दूर दूर से लोग यहाँ संकष्टी चतुर्थी हर रोज दर्शन को लिए आते हैं। ये अहमदनगर के शहर के आराध्य दैवत है और ये अपनी तरह की अद्वितीय ऐसी मूर्ति, इसके 3 हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं और दाहिनी शून्य होते हुए इसके पेट में आत्मलिंग। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए।
अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं उनकी चिंता जब हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी, बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं, मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय, संध्या समय होता है, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्र मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं, मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवारणवात। मित्रों इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आप बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें